हमारे छोटे भाई हर्षित मिश्रा के स्वागत समारोह में जो भी अतिथिगण आए हैं, हमारे लोगों के अभिभावक श्री गंगा मिश्रा जी, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, बाबू साहब जी, पवन द्विवेदी जी, जगन्नाथ शुक्ल जी, श्री महेंद्र तिवारी जी सहित आप सभी अभिभावकों और युवा साथियों का हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी यहाँ पर हमारे छोटे भाई हर्षित मिश्रा इस जिले की आन बान शान, जिन्होंने दंगल में 4 अक्टूबर को यहाँ कुड़ाव क्षेत्र में एक दंगल आयोजित किया गया था स्वर्गीय शशिकांत मिश्र जी की पूर्ण तिथि पर। एक नया कार्यक्रम, नए टाइप का कार्यक्रम था। हमारे यहाँ से एक पीढ़ी हुआ करती थी जब दंगल के प्रति, कुश्ती के प्रति, कबड्डी के प्रति बड़ा लगाव रखती थी। फिर समय में बदलाव हुआ, एक ऐसी पीढ़ी आई जब स्कूलों से अपने काम काज से फुर्सत मिलता था तो मैदान की तरफ भागती थी क्रिकेट खेलने के लिए। फिर अब की पीढ़ी जो आ गई है, यह मोबाइल में लूडो खेलती है, मोबाइल में ताश खेलती है और इंडोर गेम खेलना पसंद करती है। अपने युवा साथियों से विशेष अपील करूंगा कि यह जो हमारे कृष्ण मोहन मिश्रा जी बड़े भाई एक नई शुरुआत किए हैं, नई ऊर्जा लाए हैं, नया मार्गदर्शन किए हैं कि नहीं, युवा पीढ़ी को घर से बाहर अगर निकलना है तो खेलों के लिए आउटडोर गेम चुनिए। आप क्रिकेट चुनिए, ठीक है, आप कुश्ती चुनिए, दंगल चुनिए, कबड्डी चुनिए, तभी जो है युवाओं का शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक विकास होगा। एक सामाजिक एकता और टीम भावना बनती है। ऐसा मार्गदर्शन, यही संदेश देने के लिए, यही संदेश देने के लिए कुश्ती का आयोजन हुआ था और कुछ यही संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ स्वागत ही नहीं है, कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ स्वागत नहीं है। हर्षित मिश्रा तो अपने पूरे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को दिलों में राज करते हैं। उसको बताने के लिए यहाँ पर फूल माला की जरूरत नहीं थी, उसको बताने के लिए किसी आम मंच की जरूरत नहीं थी। पूरा राजा सुल्तानपुर इनको अपने दिलों, पूरे राजा सुल्तानपुर के सभी नगरवासियों के दिलों पर आप राज करते हैं, जिन्होंने उस कुश्ती में जहाँ पर बलिया केसरी, इनकी कुश्ती जो हुई थी, बलिया केसरी पूरे बलिया का चैंपियन था कुश्ती का, उसको पटकनी दिए। उस समय जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे वो आभास किए होंगे कि 10 मिनट की आपकी कुश्ती में हनुमान चालीसा पढ़ना सब लोग प्रारंभ कर दिए थे, क्यों? क्योंकि आप अंबेडकर नगर के केसरी नहीं थे लेकिन वो बलिया का केसरी था, वो पहलवान, आपने उसको पटकनी दिया। आप ऐसा कार्य किए थे, आप ऐसा प्रतियोगिता जीते थे कि आपको पूरा क्षेत्र पलक पावड़े आपके स्वागत में बिछाने के लिए तैयार है। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक यह भी है कि हम अपने युवा पीढ़ी को यह जरूर संदेश देना चाहते हैं कि आप घरों से बाहर निकलकर आउटडोर गेम खेलिए, आप दंगल कुश्ती खेलिए, आप कबड्डी खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए। ये मोबाइल की दुनिया, अगर अत्यधिक दुनिया आप अपनाएंगे तो हमारे बच्चे अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, एकांकी होते जा रहे हैं, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता की भावना कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। इससे दूर होने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और आउटडोर गेम खेलना होगा। बस आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र के, हम लोगों के क्षेत्र की जो आन बान शान है, हमारा छोटा भाई हर्षित मिश्रा, इसको ईश्वर लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और एक सफल कैरियर दे। या आज हम क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, कल यह देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।